वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं असली एंकर चैनल से पिशाच प्रिया। आज हम बात करेंगे भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के बारे में। जी घंटानाथ जी, हमारे हर विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनने में आया है कि भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में पहले मैच के कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे, दूसरे मैच में कप्तान बन जाएंगे विराट कोहली और T20 मैच के कप्तान होंगे रोहित शर्मा। तो एक वक्त में हम तीन कप्तानों को एक साथ देखेंगे। बिल्कुल, तो इस मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक कह रही है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी मुफ्त अनाज योजना की तरह से सबको मिलनी चाहिए, कोई छूट ना जाए। एक साथ तीन कप्तान क्या, 30 कप्तान क्या, 300 कप्तान भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? पर ऐसे में काम कैसे होगा घंटानाथ जी? काम के बारे में देखिए, मुझे लगता है आप भारतीय राजनीतिक पार्टियों को फॉलो नहीं करती। तमाम राजनीतिक पार्टियों, बड़ी बड़ी पार्टियों में होते हैं अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, लगभग अध्यक्ष, होने वाले अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष जैसे सचमुच के अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है फिर भी अध्यक्ष, हमेशा 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 दिखाई देने वाले अध्यक्ष, कभी ना दिखाई देने वाले अध्यक्ष, तमाम तरह के अध्यक्ष आपको पॉलिटिकल पार्टी में मिलते हैं। उसी तरह हम क्रिकेट में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट भी तो आना चाहिए, ऐसे में तो कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं। देखिए, रिजल्ट की बात आपने बिल्कुल अलग कर दी, ये आप अलग डिबेट को भटका रही हैं। आप याद करें, अभी वर्ल्ड कप का T20 मैचेस में एक मैच में धोनी थे, हमारे भूतपूर्व कप्तान, एडवाइजर के तौर पे थे, विराट कोहली कप्तान थे, रोहित शर्मा विश्व कप्तान थे, तीन तीन कप्तान थे, फिर भी हमारी पिटाई हो गई और हम पूरी तरह बाहर आ गए। अब आप देखिए, इंडियन टीम को कितने कप्तान गाइड करते हैं, धोनी है ही, सचिन तेंदुलकर अब बाहर से गाइड करते हैं, विराट कोहली टीम में रहेंगे T20 वाली में बतौर भूतपूर्व कप्तान, अजिंक्य रहाणे अगर T20 में हुए तो वो भी एक तरह से टेस्ट मैच के कप्तान हैं, रोहित शर्मा तो कप्तान है ही, और कुल मिला के कप्तान ही कप्तान, अध्यक्ष ही अध्यक्ष। तो इन सब के रहते हुए रिजल्ट आए, देखिए ये रिजल्ट की बात आप बिल्कुल अलग करिए, पर जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी ना, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा कप्तान होंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है कप्तानों के लिए, टीम के लिए अच्छा हो बुरा हो। देखिए, अब मान लीजिए कि आप उदाहरण लें कि एक टीम में धोनी एडवाइजर है, रोहित शर्मा भी है और विराट कोहली भी हैं, तो विराट कोहली कह सकते हैं साहब मैं तो अभी कप्तानी से हट जाऊंगा T20 की, अब रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे वो देखें, और रोहित शर्मा कहेंगे साहब मैं कहाँ उतना बड़ा कप्तान जितने बड़े विराट कोहली देखें, अब विराट कोहली कहेंगे साहब जिस टीम के एडवाइज़र धोनी हो उसकी जिम्मेदारी धोनी पर डाली जानी चाहिए। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि तमाम कप्तान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं, तो कप्तानों का ज़्यादा होना किसके लिए अच्छा है? कप्तानों के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के भारत न्यूजीलैंड मैच में क्या हाल होने वाला है, ये आप हमारे एक्सपर्ट घंटानाथ जी से समझ ही चुके होंगे। मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय शादी अगर आप फॉलो करते हो तो भारतीय शादी खराब हो जाए कोई, तो लड़की का बाप कहता है कि फूफा ने लड़का बताया था, फूफा कहता था मैंने नहीं बताया था, जीजा ने बताया था, जीजा कहता था मैंने नहीं बड़े जीजा ने बताया था, बड़ा जीजा कहता था मैं तो पिक्चर में था ही नहीं, मैं तो फॉरेन टूर पे था। यानी कि भारतीय शादी में सभी जिम्मेदार दिखते हैं, होता कोई नहीं है। तो यही आप क्रिकेट में फॉलो कर सकते हैं, यही हाल हमारे क्रिकेट में होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।